ही कालखंड था महोदय, जब हमारे तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही जोर शोर से चरवाहा विद्यालय की स्थापना करवा रहे थे। जिस चरवाहा विद्यालय की आप अपमान कर रहे हैं, उस चरवाहा विद्यालय के संस्कार से ही आज मैं विधानसभा में खड़े होने के लायक बनी। अपने सुपुत्र जो सौभाग्य से हमारे नेता प्रतिपक्ष है, आज माननीय तेजस्वी यादव जी को भारत के एक सबसे बड़े विद्यालय डीपीएस आर के पुरम में पढ़ा रहे थे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूँ गरिमा भारती। आज बिहार विधानसभा सदन के भीतर चरवाहा विद्यालय एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था। पहले सत्ता पक्ष की तरफ से चरवाहा विद्यालय बनवाने की मंशा पर सवाल उठाए गए, उसके बाद विपक्ष की ओर से इसका जोरदार जवाब भी दिया गया। सबसे पहले केसरिया से जेडीयू की विधायक शालिनी मिश्रा ने चरवाहा विद्यालय को लेकर लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने बिहार की आम जनता को गायों और भैंसों के साथ पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करते हुए चरवाहा विद्यालय खोला, वहीं उसी जगह पर अपने बेटे को वो भारत के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ा रहे थे। आखिरकार ये दोहरी मंशा क्यों थी उनकी? शालिनी मिश्रा ने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए। जब वो गरीबों शोषितों वंचितों को इस महान कार्य के लिए इस भैंस के विद्यालय में पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे, अपने सुपुत्र जो सौभाग्य से हमारे नेता प्रतिपक्ष है, आज माननीय तेजस्वी यादव जी को भारत के एक सबसे बड़े विद्यालय डीपीएस आर के पुरम में पढ़ा रहे थे, ये कैसा दोहरा मापदंड था महोदय? पहले जहां पर विद्यालयों में भैंस बकरों और गाय का बसेरा हुआ करता था, 1990 से 2005 का ही कालखंड था महोदय, जब हमारे तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही जोर शोर से चरवाहा विद्यालय की स्थापना करवा रहे थे और गरीबों शोषितों वंचितों को भैंस के साथ और जानवरों के साथ पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे। महोदय, जिस चरवाहा विद्यालय की आप अपमान कर रहे हैं, उस चरवाहा विद्यालय के संस्कार से ही आज मैं विधानसभा में खड़े होने के लायक बनी। तो आपने शालिनी मिश्रा को सुना, उसके बाद विपक्ष की तरफ से आरजेडी की मोहनिया से विधायक संगीता कुमारी ने शालिनी मिश्रा के इस बात का जवाब दिया और इसका खंडन भी किया। उन्होंने बताया कि आखिरकार चरवाहा विद्यालय लालू प्रसाद यादव ने क्यों खोला था, उसका फायदा शोषितों और वंचितों को किस तरह से पहुंचा है, इसका पूरा ब्यौरा उन्होंने दिया है। संगीता कुमारी ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। उस चरवाहा विद्यालय के संस्कार ने ही मुझे उस योग्य बनाया है, और भूलिए मत, वो वक्त वो विद्यालय समाज के दबे कुचले और शोषितों की मुख्य धारा में जोड़ने की बात करूं, सरकारी विद्यालयों में आपके बच्चे नहीं, आपके महानुभावों के बच्चे नहीं होते हैं। आज भी बात को माननीय सदस्य ने एक बात कहा, आप विद्यालय आप अपने गांव का जब जाती होंगी तो आप एक टूर करने जाती होंगी, आपने गांव की निवासी नहीं है जो आपने छप्पर की बात कही है। हमने तो उस समाज के दबे कुचलों को बात की, उस घोघा चुनने वालों की गाया, हमने उस जुदा सीने वाले के को उस मनोबल बढ़ाया कि आओ शिक्षा ग्रहण करो, तुम भी जागरूक बनो, तुम भी समझो कि तुम्हारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान की परिकल्पना की थी उस संविधान में तुम्हारे क्या अधिकार। तो आपने एक तरफ शालिनी मिश्रा को सुना जेडीयू की तरफ से, वहीं दूसरी ओर आपने संगीता कुमारी को भी सुना आरजेडी की तरफ से। उन्होंने अपना पक्ष रखा, चरवाहा विद्यालय आज एक बड़ा मुद्दा सदन के भीतर बना हुआ था। एक तरफ जहां शालिनी मिश्रा ने कहा कि लालू प्रसाद यादव की दोहरी मानसिकता दिखती है, कि एक तरफ जहां अपने बेटे तेजस्वी यादव को वो भारत के सबसे बड़े स्कूल डीपीएस आर के पुरम में उस वक्त पढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी ओर यहाँ की जनता को मजबूर कर रहे थे कि वो गायों और भैंसों के साथ पढ़ने के लिए प्रेरित हो जाए। वहीं दूसरी ओर संगीता कुमारी ने जवाब दिया कि उसी चरवाहा विद्यालय की वजह से आज बहुत सारे लोग अच्छी जगहों पर हैं, खड़े हैं, और शोषितों और वंचितों को मौका मिल पाया उनके समान अधिकारों को लेने के लिए। देखने वाली बात यह होगी कि ये बहस का मुद्दा और कितना आगे बढ़ता है। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।